Good morning, facilitators. Again, I am here to with one more craft. आज मैं रिसाइकलिंग की बात करूंगी कि बच्चों को रिसाइकलिंग कैसे बताएंगे, जो सामान जो पुराने हो गए हैं उसका यूज कैसे करेंगे. तो आज मैं पहले न्यूज़पेपर लेती हूँ, पुराने न्यूज़पेपर को कैसे इस्तेमाल करेंगे. तो पुराने न्यूज़पेपर के साथ जाती हूँ. कोई भी न्यूज़पेपर जो है बच्चों को दिखाइए, बनाइए, और इससे आप जो है सेप का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. तो एक न्यूज़पेपर लेते हैं और मैं एक सिमरी बनाने जा रही हूँ. थोड़ा बिगर वन है पर बहुत ही आसान, अगर ट्रिक के साथ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान होगा. तो देखिए, मैं एक न्यूज़पेपर लेती हूँ. न्यूज़पेपर लेकर के जो है, और टीचर्स जो बहुत सारे बच्चों के लिए कट करेंगी तो न्यूज़पेपर का तह ज्यादा लेंगी, नंबर्स ऑफ तह जो होगा उनका ज्यादा होगा. मैं एक बना रही हूँ इसलिए मैं एक ही ले रही हूँ. तो जैसे मैंने पहले पेड़ का ऊपर का सेफ लिया, क्या कर रही हूँ, सी 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 इस तरीके का कटिंग लेकर के मैं जो एक पेड़ के लिए कट करती हूँ, पेड़ का ऊपर वाला भाग. उसके बाद दो स्टैंड अपोजिट सी, दो अपोजिट सी ले रही हूं. ये जो भी अभी हम बनाएंगे वो टुकड़ों में कट करेंगे, टुकड़ों में कट करके फिर उसे पेस्ट करेंगे. जैसे पेड़ का एक भाग जो है अलग से, तना का भाग अलग से मैंने ड्रॉ किया, ऊपर का भाग अलग से ड्रॉ किया मैंने. एक सूरज ड्रॉ कर लेती हूँ. अगर जो आप न्यूज़पेपर ले रहे हैं उसके कलर को भी आप ध्यान रखें. न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे कलरफुल प्लेसेस होते हैं. जैसे सन के लिए येलो की जरूरत होती है तो मैंने येलो के जगह पर मैंने उसे राउंड किया है. अब एक घर सोच रही हूँ मैं कि एक झोपड़ी या घर व्हाटएवर, तो एक ट्राइंगल जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. एक ट्रायंगल ले लेती हूँ और एक रेक्टेंगल ये मैंने सोचा है बनाने को, जिसमें एक पेड़, एक घर और एक सूरज. बाद में देखती हूँ क्या कर सकते हैं. पहले इन तीनों चीजों को मैंने ड्रॉ किया और ड्रॉ करके इसको अब कट करते हैं. सबसे पहले मैं ट्री को कट कर लेती हूँ. ट्री के निचले भाग यानी तना वाले जो भाग है उसको मैं कट कर रही हूँ. तना वाले भाग को कट करती हूँ. ये मैं ड्रॉ करना, चूंकि आपकी शुरुआती दौर होगी इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो फ्री हैंड करना मैं ज्यादा अच्छा समझती हूँ. ड्रॉ करने से बचिए, कोशिश कीजिए कि बिना ड्रॉ किए ही, मतलब कैंची ही आपका, सीजर ही आपका स्केल है, आपका पेंसिल है, पेन है, व्हाटएवर. इतनी प्रैक्टिस फैसिलिटर्स की होनी चाहिए. तो अगर मैं दिखाऊं, देखो बिना ड्रॉ किए अगर मैं कट करना चाहती हूं तो देखिए मैंने ऐसे पेपर को फोल्ड किया और इसको आगे की ओर कट किया अपने अंदाजे से. और देखिए ये मैं घर का निचला भाग में ले रही हूं, थोड़ा सा कट कर लिया. देखिए ये रेक्टेंगल की तरह निकल गया. और अगर मैं बिना ड्रॉ किए हुए कट करती हूँ तो देखिए जो पेपर फोल्ड हुआ है उसको ट्रायंगल की तरह मुझे निकालना है. सिंपल इस तरीके से मैंने कट कर लिया. देखिए एक ट्रायंगल निकल गया. थोड़ा बहुत शेप में हम अपने वापस ले लेंगे अपने अनुसार. देखिए ये ड्रॉ करके काटने से ज्यादा आसान होता है कि आप फ्री हैंड कट करें, समय कम लगेगा. और बहुत सारे एक साथ, देखिए मैंने चार पांच जो है एक साथ निकाल लिया. तो घर के लिए जो मुझे एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल चाहिए था वो भी हो गया. और पेड़ का ऊपरी भाग जो है, जो मैंने सी सी कहा था, उसे भी मैं डायरेक्ट फ्री हैंड देखिए आपको कट करके दिखाती हूँ. देखिए कैंची जो है, सीजर जो है, वो आपका पेन या पेंसिल की तरह वर्क करना चाहिए. हो गया. अब देखिए ट्री का ऊपर वाला भाग भी निकल गया, थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हैं अपने अनुसार. ये निकल गया. और अब रहा सन. अब मेरी अभी कल्पना में एक सन था तो पहले मैं वो कलर देख लेती हूँ. देखिए इस पेपर में इस कलर को मैं ले लेती हूँ सन के लिए. आपको बहुत सारे बच्चों के लिए काटना होगा तो वैसे ही पेपर को तीन चार भाग में तय कीजिए ताकि एक बार में बहुत सारा निकल जाए. देखिए मैंने एक साथ इतने सारे तय किया, तय करके एक बार में जो है सन को निकाल लिया.
ये हमने निकाल लिया. अब जो बाकी पेपर्स हैं उसको वन साइड कर लेते हैं, जगह खाली करते हैं, और पेपर के जो प्लेस है उसको पहले तय करेंगे कि किस जगह पे हमें क्या लेना है, इसको पहले तय करते हैं. सबसे पहले मैं ट्री को रखना चाहूँगी. आप सीधा मतलब पेपर को हॉरिजॉन्टल और अपने इच्छे के अनुसार रख सकती हैं. मैं पहले देखिए एक ट्री मैं रख कर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. पहले उम्मीद करती हूँ आपको दिखाई दे रहा हूँ. और ये ट्री का ऊपरी भाग ठीक है. घर ले रहे थे हम, यहाँ पे एक घर लेती हूँ मैं, नीचे रेक्टेंगल ऊपर ट्रायंगल हो गया. ये घर हो गया हमारा. एक सूरज हमने कहा था लूंगी, सूरज ले लीजिए. एक सूरज लेते हैं मिनिमम. अभी हम इतना लेकर चलते हैं, बाद में अगर चाहें तो और भी क्रिएटिव हो सकते हैं इन चीजों के साथ. तो ये घर, ये पेड़, ये सन. अब इसे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं. जो प्लेस हमने तय किया है वहीं पर जाकर हम इसे पेस्ट करते हैं. हमेशा याद रखें, जब भी कटिंग पेस्टिंग का वर्क कर रहे हो तो प्लेस पहले जरूर तय कर ले. ऐसे नहीं कि सीधे शुरू हो जाएंगे. सीधे शुरू हो जाने से क्या होता है कि हो सकता है कि ये समझ सही जगह पर जो आप जहां लगाना चाह रहे हैं वो ना लगे, फिर एक परेशानी का सबब हो जाता है. तो पहले प्लेस को जरूर तय करें. प्लेस का तय करना बहुत जरूरी है कटिंग पेस्टिंग वर्क में. और बहुत सारे पेपर्स में जो है बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, जैसे रिलेटेड टू मदर्स डे, उन सभी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. जब आप उसका थीम चल रहा हो, मदर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा हो या फिर उससे रिलेटेड जो भी है, तो उस थीम के द्वारा जो है उस थीम को समझाने के लिए भी रिसाइकलिंग क्राफ्ट करवा सकते हैं, जो पेपर उसका बहुत अच्छा उदाहरण है. पुराने न्यूज़पेपर को कलेक्ट करें, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट. आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के पिक्चर आ जाते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं रिलेटेड टू फेस्टिवल सेलिब्रेशंस भी जो है उसके भी बहुत सारे होते हैं. उन सबको कलेक्ट करिए और कलेक्ट करके बच्चों से पेस्ट करवाइए. कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्या कहते हैं रिसाइकलिंग की बात भी समझ में आएगी. जो पुरानी चीजें हैं, जो फेंकी जाने वाली चीजें हैं, उसको एक खूबसूरत रूप में ढाल देना. ये सन है, ये सन हमने डाल दिया. अब थोड़ा सा क्रिएटिव और भी हो सकते हैं. बेसिक चीज ये है, अगर 2 साल के बच्चे हैं तो आप इतना ही छोड़ दें, लेकिन ये पूरा व्यवस्थित नहीं लग रहा तो इसको व्यवस्था में लेते हैं. एक और लाइनिंग यहाँ पर खींचते हैं ताकि ये प्रॉपर दिखना लगे. तो इसको कर्व की तरह भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ एक लाइन लेकर के भी पेपर को लाइनिंग एक समान लाइन में भी कट करके जो है वहां पर पेस्ट कर सकते हैं. मैंने थोड़ा सा सी कर्व कर लिया है, कर्व करके मैंने कट किया है सी की मदद से लेकर के. और इसको कंप्लीट कीजिए. ये यहाँ पे खाली लग रहा है, सो इट इज नॉट लुकिंग गुड. तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा लुक बदल गया. थोड़ा पेड़ पौधे और आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं. कॉन्सेप्ट वही, थोड़ा सा भी करके कट कर लिया. देखिए मैं यहाँ पर एक कुछ हल्का छोटा सा पेड़ दो झाड़ी डालने की कोशिश कर रही हूँ. तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी पेपर आपके पास है उसको फोल्ड कीजिए और भी लिखिए, भी की तरह कट कीजिए. ओके, मैं लिख के दिखाती हूँ. पेपर आपने लिया, यहाँ पर भी लिखिए, भी 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 भी, ये एक झाड़ी की तरह लगने लगता है. देखिए मैंने भी लिखा है, भी भी लिखा. अब मैं इसे कट कर रही हूं और एक अच्छा सा बहुत ही आसान तरीके से
रिसाइकलिंग करके आप जो है एक सिनरी क्रिएट कर लेते हैं और इसका भी इस्तेमाल आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्रिएटिव अगर आप होते हैं तो पेपर से तो मैं कहूँगी पूरी दुनिया बना सकते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाता है घर में, कोई परेशानी नहीं होती और बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे पिक्चर्स इसमें मिल जाते हैं जिसका हम इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी के लिए कर सकते हैं। तो बी क्रिएटिव, और आप क्रिएटिव होंगे तो ऑब्वियस है आपके बच्चे भी, आपके स्टूडेंट्स भी आपके क्रिएटिव होंगे और आप भी अच्छा फील करेंगे, आसान फील करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ घास कहिए, ये ग्रास कहिए या झाड़ी कहिए, इस तरीके का कुछ क्रिएट हो गया और इसे हम पेस्ट कर देंगे तो ये पिक्चर जो है थोड़ा सा और भव्य या बड़ा दिखने लगता है, इम्प्रेसिव लगने लगता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ लगा दिया हमने और अब रहने देती हूँ। और इसे चारों तरफ जो है पेपर के ही कटिंग से इसके बॉर्डर तैयार कर लेंगे ताकि ये और भी कंप्लीट लगने लगे। ये आप खुद से भी कर सकते हैं पर एक मैं बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे। जैसे ये पेपर है, ये पूरा जो पेपर हमने लिया था, जो कटिंग किया था, उसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको फोल्ड कीजिए और लंबाई लंबे में कट कर लीजिए। बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा सी वी कर्व भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी मैं अपने पेपर यहाँ से छाट के हटा देती हूँ। इसको सी की तरह भी ले सकते हैं या सिंपल कटिंग भी कर सकते हैं। मैं सी ले लेती हूँ ताकि सिंपल तो समझ में आ ही गया, मैं सी कट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा कर्व जैसा लेकर के इसे कट कीजिए, थोड़ा सा डिजाइनिंग मिल जाता है और अच्छा लगता है। मैंने ऐसे सी सी करके लिया और मैं अभी आपको एक ही साइड पेस्ट करके दिखाती हूँ। और इस तरीके से आपको बॉर्डर मिल जाता है और इसको क्या करना है, सिंपल चारों तरफ से पेस्ट कर देना। बाकी सारे पेपर हटा देती हूँ ताकि शेप दिखाई दे। हमने ये कट किया, देखिए ये बॉर्डर हमें मिल गया। देखिए ये जो कट किया हमने, ये बॉर्डर हमें मिल गया और इसे जो है हम जो है ये पेपर के चारों तरफ पेस्ट कर देंगे। चारों तरफ ये पेस्ट होगा। देखिए थोड़ा सा कर्व ले लिया मैंने तो ये डिजाइन की तरह लगने लगे, ये बॉर्डर और भी अच्छा दिखेगा। आप प्लेन भी ले सकते हैं, नहीं कटिंग करने की इच्छा हो रही है या समय आपके पास उतना नहीं है तो आप सिंपल उसे भी करके छोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, चारों तरफ जो है इसको बॉर्डर दे देंगे, फ्रेम में ले लेंगे। आप इसमें और भी क्रिएटिव हो सकते हैं, जैसे बादल का बनाना। बादल बनाने के लिए कुछ और नहीं, सीसी का इस्तेमाल करते हैं और चाहे तो थोड़ा सा पेंसिल ब्रश कलर का इस्तेमाल करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मोर ऑर लेस ये कंप्लीट पिक्चर है। मैं थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं पेंट का इस्तेमाल कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इस तरीके से जो है यहाँ पे बच्चे का नाम लिखवाएंगी। मैं जो भी पेंटिंग बता रही हूँ, जो भी क्राफ्ट आप बनवा रहे हैं, बच्चों का नाम लिखवाना और डेट डलवाना ना भूलेंगे, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि एक तो अपने किए हुए कार्यों का काम जो कर रहे हैं उसका वैल्यू समझ में आता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके वर्क में ये पता चलता है, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये पता चलता है। तो ये था आपका रिसाइकलिंग वर्क जो पेपर से हमने किया। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई होगी। मैं पूरा बॉर्डर नहीं बना रही हूँ ताकि मैं दूसरा क्राफ्ट भी आपको बता पाऊँ समय रहते, तो इसे चारों तरफ इस बॉर्डर से आप कवर कर लेंगी और थोड़ा बहुत क्रिएटिव आप जो होना चाहें हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। गुड डे।